स्नातक द्वितीय खंड सत्र 19 से 22 के ऐसे परीक्षार्थी जिनके परीक्षा फल में अनुपस्थित दर्शाया गया है तथा वे यदि आवेदन पत्र के साथ प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में जमा कर दिए हैं तो उन्हें बार बार विश्वविद्यालय आने जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा फल प्रकाशन हेतु परीक्षा विभाग गंभीरता से निरंतर कार्य कर रहा है तथा उनके संशोधन परीक्षा फल विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आदेश से विभाग पूरी संजीदगी से ऐसे छात्रों के कार्यों के प्रति संकल्पित है तथा यथाशीघ्र उनके संशोधित परीक्षा फल प्रकाशित कर दिए जाएंगे ताकि ऐसे छात्रों के सत्र में विलम्ब न हो। पार्ट 2 के वैसे छात्र जिनका परीक्षा फल अभी अनुपस्थित दर्शाया गया है या किसी कारण उनको लंबित रखा गया है, वैसे छात्र आवेदन अपना दे करके और निश्चिंत हो जाए। परीक्षा विभाग स्वयं इसके लिए गंभीर है और गंभीरता से काम कर रही है। माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय का स्पष्ट आदेश है कि छात्रों की समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाए और किसी भी कारण उसमें देरी मत किया जाए और परीक्षा विभाग इसके लिए काफ़ी सचेष्ट और यह गंभीरता से जो है लेकर के काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि छात्र इधर उधर विश्वविद्यालय में अपना जो है समय बर्बाद मत करें तथा गलत आदमियों की चंगुल में मत जो है फंसे ताकि उससे उनका समय भी बर्बाद होगा और किसी भी प्रकार की परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे छात्रों को परीक्षा विभाग आगाह करती है कि परीक्षा विभाग में यदि वो आवेदन कर चुके हैं, जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं वो भी आवेदन करके निश्चिंत हो जाए। परीक्षा विभाग सौ समय परीक्षा संशोधित करके निकाल करके वेबसाइट पर डाउनलोड करवा देगी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।